गाइज़ वेलकम टू द चैनल ग्रेड स्कूल। तो गाइज़ हमने हमारी फर्स्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरोमेटिसिटी पार्ट वन में एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी, इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे। तो गाइज हमारे पास टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी में फोर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटी एरोमेटिक, सेकेंड वन इज़ होमो एरोमेटिक, थर्ड इज़ क्वासी एरोमेटिक एंड फोर्थ वन इज़ नॉन एरोमेटिक। एंड द नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मीन्स, वर्ड एंटी से हमें क्या क्लियर हो रहा है, एंटी मीन्स ऑपोजिट। सो गाइज एरोमेटिक ऑपोजिट जो हमारे पास कंडीशन थी उसमें हम ये फॉलो करेंगे। एरोमेटिक में जो हमने थर्ड कंडीशन स्टडी की थी हक्कल रूल, जिसमें हम ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कंसिडर करते थे, तो इसमें हम इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कंसिडर करेंगे और बाकी जो तीन कंडीशन हैं साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर वो सेम ही रहेंगी। तो अभी इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है साइक्लिक ब्यूटीन की, जिसमें हमारे पास टू पाई बॉन्ड्स हैं। दिस रिंग इज साइक्लिक रिंग, टू पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन एंड दिस इज अ प्लेनर रिंग, सो इट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर टू, सो दिस इज अ इवन नंबर, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। एंड द अदर सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस इज अ साइक्लिक रिंग ऑफ ऑफ बोरोन एटम। तो गाइज एक हमारे पास एक साइक्लिक रिंग है बोरोन एटम की, जिसमें हमारे पास टू पाई बॉन्ड्स हैं। दिस इज अ प्लेनर रिंग, बोथ द पाई बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन, सो इट इज़ एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो गाइज अभी हमारे पास यहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि जो बोरोन है ये कंजुगेशन कैसे शो कर रहा है। सो गाइज अगर हम उसकी बोरोन की हिब्रिडाइजेशन देखें, इट्स हिब्रिडाइजेशन इज 1s2 2s2 2p1, इट्स कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p1, सो इट्स जो हमारे पास इसका 2p शेल है, तो इट हैज़ टू एम्प्टी ऑर्बिटल। सो इफ वी प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, अगर हम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करवाएं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन 2p शेल में 2p ऑर्बिटल में आ जाएगा। सो फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो 2p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। ड्यू टू दिस 2p एम्प्टी ऑर्बिटल दिस बोरोन एटम टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन, सो दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। एंड द थर्ड इज प्रोपीन रिंग, दिस इज विद अ नेगेटिव अनायन, सो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वी कॉल इट दिस इज अनायन। सो ये हमारे पास एक प्रोपीन रिंग है जिसपे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज दिस रिंग टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन। ओके जो ये नेगेटिव चार्ज के कारण जो हमारे पास ये रिंग है साइक्लिक रिंग है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लेनर रिंग, सो टोटल नंबर ऑफ टू पाई बॉन्ड्स आर देयर, सो दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक इन नेचर। And the next example is homo aromatic. So guys, homo means similar. So its first condition is cyclic in nature and the second is conjugated system. But it has one saturated atom. मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास cyclic ring में एक carbon atom क्या होगा, saturated होगा, means the carbon atom has sp3 hybridization. सो जो हमारे पास जो कार्बन एटम होगा वो अबव दी प्लेन होगा। इस एग्जांपल में मैं क्या ले रही हूँ कि मेरे पास जो ये कार्बन एटम है दिस इज अबव दी प्लेन sp3 इन नेचर एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंजुगेशन, सो ड्यू टू दिस इज अ होमो एरोमेटिक इन दिस रिंग इज होमो एरोमेटिक इन नेचर, सो दिस सिस्टम्स आर कॉल्ड होमो एरोमेटिक। एंड द नेक्स्ट इज क्वासी एरोमेटिक। तो गाइज क्वासी एरोमेटिक से पहले हम एक होमो एरोमेटिक की एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना जा रही हूँ। सो गाइज इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ये मेरे पास एक साइक्लिक रिंग है प्रोपेन की रिंग है, बट जो ये एक्सटर्नल बॉन्ड है मीथेन के साथ, तो ये जो कार्बन एटम है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग, सो गाइज तो इसको हम होमो एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। होमो एरोमेटिक के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास कार्बन एटम है विथ sp3 hybridization, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइक्लिक सिस्टम। पर जो ये इसमें ये कार्बन एटम है CH3, राइट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ साइक्लिक सिस्टम, सो दिस इज नॉट अ होमो एरोमेटिक, सो दिस इज अ एरोमेटिक बिकॉज इट हैज ओनली वन पाई बॉन्ड। एंड द नेक्स्ट इज क्वासी एरोमेटिक। सो देर इज नॉट अ मेन डिफरेंस बिटवीन द एरोमेटिक एंड क्वासी एरोमेटिक, बट द ओनली मेन डिफरेंस इज इट इज़ पोलर इन नेचर एंड इट हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट। वी नो दैट द ऑक्सीजन एटम हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट सेल्फ, सो ऑन द ऑक्सीजन एटम दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड ऑन द कार्बन एटम
that is a positive charge. So due to this, it creates a high polarity and it has high dipole moment. So it has only one pi bond and this is a cyclic system. So this is aromatic in nature, but this is quasi aromatic. And next one is homoaromatic. So we have four conditions in non-aromatic, and the first condition is cyclic, second is not conjugated, third one is hakalur folo, ho bhi sakta aur nahi bhi ho sakta, and the fourth one is non-planar. So guys, jo main yahan pe example le rahi hu, cyclooctatetrahedron inki example le rahi hu. So this thing has total number of 4 pi bonds, but all the pi bonds are in conjugation, but this is high ring. ये रिंग एक बड़ी रिंग है, इसका साइज बड़े होने के कारण इस रिंग में हमारे पास क्या हो जाती है, स्ट्रेन हो जाती है. ड्यू टू स्ट्रेन दिस रिंग शेप कन्वर्ट्स इनटू अ टब शेप. सो ड्यू टू दिस टब शेप ऑल द एटम्स कार्बन एटम्स आर नॉट इन प्लेन. सो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर. तो गाइस आपको एग्जाम्पल ये याद रखनी होगी, ये थोड़ी एक्सेप्शनल केस है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. So due to the only reason कि इसमें जो कार्बन एटम है due to tub shape वो हमारे पास क्या है, प्लेन में नहीं होते. सो दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑर्डर. सो गाइज उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को हम एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय साइक्लाइजेशन और बाय ब्रिजिंग. सो मैंने फर्स्ट क्या किया, मैंने इस रिंग को by cyclization naphthalene mein convert kar diya. So we know that this is a cyclic system, this is a conjugated system, all the atoms are in the plane, and it also follows the Huckel rule because it has total number 5 pi bonds. So this is aromatic in nature. And aur mere paas dusra option kya hai ki main is ring ko by bridging होमो एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकती हूँ. इसको मैं होमो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो ये कार्बन है एटम है CH2 वाला, ये क्या है SP3 इन नेचर है. ओके, सो ड्यू टू दिस दिस इज होमो एरोमेटिक इन नेचर. ओके, सो हम किसी कोई भी नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर को एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट गाइस रिमेंबर दैट कि हम सारी नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट सम नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स द सिस्टम इज कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक एंड होमोरोमेटिक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो गाइस अभी हमने इसमें चार तरह की एरोमेटिसिटी में के बारे में पढ़ा है. एंड ऑल दी फोर टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटीज इट हैज डिफरेंट कंडीशन, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ ही रहा है ना. ऑफकोर्स इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो भी सेम नहीं रहेगा. सो द फर्स्ट एरोमेटिक इज हाईली स्टेबल इन नेचर, एंड देन है होमो एरोमेटिक, एंड देन नॉन एरोमेटिक, एंड देन द एंटी एरोमेटिक. बट गाइस रिमेंबर दैट एंटी एरोमेटिक इज नॉन स्टेबल एंड इट एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर. तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे. तो गाइस जो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, इट हैज टोटल नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 6 एंड इंक्लूड दिस वन 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम. बट द 7th कार्बन एटम इज पॉजिटिव इन has positive charge. So these three pi bonds takes part in conjugation. So this is a cyclic system and it also follows the Huckel rule. So this is a aromatic in nature. और हमारे पास जो second example है वो हम क्या ले रहे हैं, एक this ring has oxygen atom. It has total number of 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atom and including the 7th one is 7th oxygen atom. सो गाइज अगर हम ऑक्सीजन एटम को इंक्लूड ना करें तो इट हैज़ टोटल नंबर ऑफ 3 5 बॉन्ड. बट रिमेंबर दैट गाइज ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, बट द ओनली 1 लॉन पेयर टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन. सो ड्यू टू दिस रीजन इट हैज़ 4 पाइ बॉन्ड्स एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर. ओके, ड्यू टू 4 पाइ बॉन्ड इट इज़ एंटी एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज the one lone pair of oxygen atom takes part in conjugation. अभी हमारे पास हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, राइट, बट कॉन्जुगेशन में ओनली 1 लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करता है. द रीज़न इज जो हमारे पास पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल होते हैं 2p in 2p shell, राइट, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इन वन टाइम ओनली वन ऑर्बिटल
is in the plane and the other one is out of the plane. So that's why the one lone pair of oxygen atom takes part in conjugation, which is in the plane. Okay, and third example हमारे पास क्या है? This is a guys, जब भी हमारे पास ऐसे systems होते हैं, these systems are called fulvalene system. I mean to say, जो भी हमारे पास 5, 6 or 7 membrane ring होती हैं, जिनके बीच ring के बीच में हमारे पास 5 bond तो होते हैं, पर external में हमारे पास क्या होता है? एक और 5 bond होता है, और ये जो 5 bond होता है, ये non breakable होता है. Okay, due to this reason, this system are directly called non-aromatic. Remember that, ये guys आपको ये याद रखना होगा. 5, 6 or 7 membered ring which have this kind of system are called non-aromatic. And the next one is fourth example is guys यहाँ पे जो ये example है ये दो तरीके से हो सकती है. Because जो ये यहाँ पे मेरे पास क्या है ये pi bond system है. इसके round हमारे पास two carbon rings हैं. Okay. तो अगर मैं ये पाई बॉन्ड को इस रिंग में ट्रांसफर करती हूँ तो दिस रिंग हैज नेगेटिव चार्ज राइट एंड दिस रिंग हैज व्हाट पॉजिटिव चार्ज राइट सो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इट हैज 3 पाई बॉन्ड एंड ड्यू टू दिस वन इट हैज ओनली 1 पाई बॉन्ड सो 3 पाई 1 पाई बोथ आर ऑड इन नंबर सो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इस रिंग में ट्रांसफर कर देती हूँ तो क्या है 2 pi is this ring has 2 pi bonds and this ring has also 2 pi bond so this both the rings are 2 pi system so this is 2 pi 2 number means even in nature so this is anti aromatic but guys agar in dono mein se stability order ke bare mein agar discuss kare जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि एरोमेटिक जो हमारे पास है वो हाई स्टेबल इन नेचर होता है रादर देन एंटी एरोमेटिक सो वी कंसीडर द केस ऑफ दिस वन एरोमेटिक ओके एंड द फिफ्थ एग्जांपल इज तो गाइस ये हमारे पास एज कम्पेयर टू फोर्थ लिटिल बिट सिमिलर है तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी 5 बॉन्ड के अराउंड 2 रिंग्स हैं बट The number of pi bond in both the rings are same. This ring is also 2 pi bond and this ring is also 2 pi bond. So, अगर ये मैं pi bond किसी भी ring में transfer करूँ तो मेरे पास जो case है वो same ही रहेगा. तो मैंने ये जो pi bond है इस ring में transfer कर दिया. So, this ring has 3 pi bond and this ring has only 2 pi bond. So, this ring is aromatic due to 3 number and this ring is anti-aromatic due to 2. Because 2 is even and 3 is odd in nature. Guys, जब भी हमारे पास ऐसा केस हो जिसमें एक ही स्ट्रक्चर में एक एरोमेटिक बन रहा हो और एक एंटी एरोमेटिक बन रहा हो सो दी सिस्टम्स आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स ओके एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गाइस ये हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर रिंग है साइक्लो हेप्टाट्राइन रिंग है विच हैज़ नेगेटिव चार्ज ओके ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द कॉन्जुगेशन सो टोटल नंबर ऑफ दिस देर आर 4 पाई बॉन्ड ओके इफ देर आर टोटल नंबर ऑफ 4 पाई बॉन्ड तो दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर बट ड्यू टू हायर साइज दिस रिंग इज नॉट स्टेबल तो हमारे पास क्या है इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है बट इन नेचर दिस रिंग इज non planar in nature due to this reason this is non aromatic and seventh one is this system is a homo aromatic because this carbon atom is sp3 in nature okay so this is a jaise maine aapse pehle discuss kiya tha ki jab bhi hamare paas cyclic ring mein carbon atom सैचुरेटेड हो मीन्स उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हो इट हैज़ नो पाई बॉन्ड सो दिस रिंग इज होमो एरोमेटिक इन नेचर एंड गाइस अगर आपको ये मेरे सारी एग्जांपल समझ आ गई हैं जो मैंने आपसे टाइप्स डिस्कस की हैं एरोमेटिक की वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हैं तो आप और कोई भी जो एग्जांपल्स है वो आप इजीली कर सकते हैं तो मैंने आपको एज अ प्रेपरेशन के लिए आप कुछ एग्जांपल्स दी हैं प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड फर्स्ट वन इज नैप्थलीन सेकंड वन इज इंडोल थर्ड वन इज पिरिडीन एंड फोर्थ इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन एंड फोर्थ वन इज फ्यूरान सो अगर गाइज आपको मेरी जो सारा पहले का जो समझ आ चुका है तो आप ये प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली कर सकते हो एंड तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन प्रॉब्लम्स के आंसर पे पहले डिस्कस करूँगी एंड देन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम So guys, thanks for watching.